Hey guys, Fikrimless के एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज की वीडियो में लोग फिर से खेलने वाले हैं ब्रदर्स एसएमपी के अंदर। तो गाइज अगर तुम लोग को लास्ट वाली वीडियो याद है ना ब्रदर्स एसएमपी वाली, तो तुम लोग को याद होगा कि मैंने अपनी एसएमपी के अंदर एक कासल बनाया था। एक छोटा मोटा कासल नहीं, बहुत बड़ा कासल बनाया था, जो कि आई थिंक एक मंथ हो चुका उस वाली वीडियो को। उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास अभी और कोई दिमाग में है नहीं क्या करना चाहिए। तो आज अपन लोग एसएमपी का टूर करेंगे। सो या अभी मैं तुम्हें एसएमपी का टूर करवाने वाला हूँ कि एक साल में अपने क्या क्या कर लिया है। तो लेट्स गो, भी देखा जाए कि अपने पास हमारी स्किल्स, भाई स्किल्स हैं अपने पास, लेट्स गो। मुझे लगा मैंने स्किल्स खो दी अपनी, मजाक कर रहा हूँ, अभी तो सीखा है इसको करना। लेट्स गो, जल्दी चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमने अपनी एसएमपी की शुरुआत की थी। तो यही वो जगह है जहाँ पर मैं समन हुआ था, एंड मेरा भाई भी था मेरे साथ में, लेकिन वो टकला भी खेलता नहीं है मेरे साथ, ठीक है, उसको लेके आएंगे, बहुत जल्दी लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये है हमारा पहला घर, हमारा पहला हाउस गाइस। तो ये रहा मेरा फर्स्ट फार्म जो कि मैंने यहाँ पर वीट एंड कैरेट उगाई थी, एंड यहाँ पर मेरे हॉर्सेस खड़े हैं, एंड मेरा एक लामा खड़ा है जो कि मैंने चोरी किया था, और ये मेरे पर थूकता है, लेकिन इसका निशाना आज भी उतना ही कच्चा है जितना मेरा निशाना, ठीक है। तो ये रहा मेरा घर। तो यहाँ पर ये मेरा यार वो सामान पड़ा है जो मैंने काफ़ी सामान लूटा है यहाँ पर जाके। यहाँ पर बहुत सामान पड़ा है मेरा, ये भैया नॉस्टैल्जिया आ गया है, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, ठीक है। जो बंदे ब्रदर्स एसएमपी को बहुत पहले से देखते हैं उनको भी आ गया होगा नॉस्टैल्जिया, क्योंकि वो ये सामान को दोबारा से देख रहे हैं जो हमने पहले वाले दिनों में यहाँ पर बनाया था। अभी तो इस एसएमपी में बहुत कुछ बन चुका है, एंड आगे और भी बनने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं भी रह जाएगा, बहुत कुछ बनेगा, बहुत प्लान है, टाइम लगता है लेकिन काम करने में, ठीक है। तो यहाँ पर से ये रही मेरी फर्स्ट जो मेरी पिकैक्स थी, इसको भी मुझे रिपेयर करना है, इसके अंदर मैंडिंग लगानी है मुझे, वो भी मैं बाद में लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक नैदर पोर्टल हुआ करता था, वो भी मैं तोड़ के ले गया हूँ कहीं पर। लेकिन यहाँ पर ऐसे लेट्स गो, मैं ऐसे एमएलजी कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं था, लेट्स गो। तो अभी इसके बाद में हमने बनाया था ये हमारा अंडरग्राउंड विलेजर्स हॉल, ट्रेडिंग हॉल नहीं, विलेजर्स के लिए बनाया था। ट्रेडिंग हॉल तो अभी मैंने बनाया नहीं है कोई, इसी के अंदर ही मैंने ऐसे विलेजर रख दिया है। तो अभी इसके अंदर मेरे सबसे बेहतरीन विलेजर्स हैं यहाँ पर हमारी एसएमपी के, जो कि मेरे को सामान देते हैं, इतना चुम्बेश्वरी काम करते हैं भाई ये देखो, मतलब ज़्यादा एमरल्ड भी नहीं लेते, ज़्यादा एमरल्ड लेंगे तो मैं रेड करवा देगा तुम्हारा भाई। और ये आलीशान, इनको मैंने जो ये जगह बना के दिया, ये बंदे खुश हैं। और ये रहा मेरा फार्मर भाई, ये मुझे देता है गोल्डन कैरेट्स। तो यहाँ पर इसका जो फ्लोर है ना वो महंगे वाला बना रखा है, अंदर वाले विलेजर्स भी अच्छे हैं लेकिन उनके लिए मैंने थोड़े सा कंजूसी वाला काम किया, लेकिन इनके लिए भी अच्छा सा काम करेंगे। ये भी मेरे बहुत बहुत प्यारे विलेजर हैं, ये भी बहुत अच्छा सामान देते हैं। तो इसके बाद मैं तुम्हें मिलाता हूँ मेरे डॉगीज़ की सेना के साथ। और ये देखना, सर्दियाँ शुरू हुई नहीं और ये कोने में जाके बैठ के, अरे भैया साइड में आ जाओ, तुम्हें वीडियो के अंदर आ रहे हो, साइड में आ जाओ, तुम्हें दिखा दिया जाए थोड़ा बहुत, इस साइड आ जाओ चल के भाग के। ओके, तो ये एक आ रहा है भाई, चलो कोई नहीं, इनके लिए भी मुझे घर बनाना है। भाई कितना काम मेरा पेंडिंग पड़ा है भाई, मुझे कमेंट करके बताओ मुझे इनके लिए घर बनाना चाहिए या नहीं, कैसा बनाना चाहिए उसका डिज़ाइन भी मुझे बताना, भी इनके लिए मैं कैसा घर बनाऊँ अपनी एसएमपी के अंदर। और सबसे महंगी चीज़ तो रह गई, जिसको बनाकर मुझे बहुत खुशी मिलती पर्सनली, तो ये रही मेरी वो चीज़ जो कि हमारा एक्वेरियम है, जो इस वाले ट्रेडिंग हॉल का लुक और अच्छी कर देता है। तो इसके बाद गाइस हम लोगों ने ये अंडरग्राउंड पेट्रोक तक का एक गड्ढा खोदा था, पूरा का पूरा चंक माइन किया था, लेकिन अभी बेडरॉक तक का नहीं रहा क्योंकि अभी अपडेट आ चुका है, वाइल्ड अपडेट के बाद आ चुका है। और मुझे अभी पता चला कि आई एम स्टिल वर्दी डूड, आई एम स्टिल वर्दी। तो इसको और नीचे तक खोदूंगा मैं, वो भी मैं फ्री टाइम के अंदर करूँगा, जब भी कभी मेरे को कुछ वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा, कुछ भी टॉपिक नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पर आके खोदने लग जाऊँ, कुछ भी कर दूँगा, ठीक है, ऐसी वीडियो डाल देंगे। तो ओके, इसके बाद हमने अपना क्या बनाया था मुझे याद नहीं है, तो लेके चलता हूँ, तो मैं इस साइड में चलते हैं। हाँ, इसके बाद मैंने फूड फार्म बनाया था, नहीं फूड फार्म नहीं, इसके बाद हमने एक ट्री बनाया था भाई, उसको तो भैया भूल ही गए थे, ये देखो, ओ भाई ये आई थिंक, हाँ मैंने मकर संक्रांति वाले दिन बनाया था, मुझे याद आ चुका है। तो इसके अंदर भी मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, लेट्स गो गाइस। भाई नॉस्टैल्जिया आ रहा है भाई, पुरानी पुरानी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ लिटरली, मेरी खुद की एसएमपी है, मेरे फोन के अंदर मेरी ये वर्ल्ड है, लेकिन मैं इसके अंदर इतना घूमता ही नहीं हूँ। मैं भैया पर्सनली मैं सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पर जाता हूँ, मेरा अंडर वाटर वाला हाउस और एक ऐसे ही कोई गेड़ियाँ मारता रहता हूँ, लेकिन मैं ये वाली चीज़ों को तो मैं भूल चुका हूँ लिटरली यार, तुम भी भूल चुके होगे कि हमारी एसएमपी के अंदर ऐसा कुछ भी था, ही कब बना दिया। सो लेट्स गो, अभी ऊपर से चल के अपनी एमएलजी ट्राई करते हैं, एंड बच गया।
बच गया भाई। एंड ओ वेट, यहाँ पर भाई मैं सीधा तुम्हें वो फूड फार्म की तरफ लेके जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर मेरे एक अनलिमिटेड एक्सपी फार्म भी है। लेट्स गो, ये वाला एक्सपी फार्म किस किस को याद है मुझे कमेंट करके बताओ, मैं मुझे पता चल जाएगा तुम शुरू से इस वाली भी सीरीज को देख रहे हो। एंड यहाँ पर ये मोस्टली बंदों को नहीं पता होगा, जिनको पता है उनको मेरी तरफ से हार्ट भाई, रेड वाला हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्म काम करता है, लेकिन अभी मेरे पास एक फार्म और है एक्सपी वाला, तो मैं वहीं पर जाता हूँ। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे फूड फार्म की तरफ। तो ये फूड फार्म भी अच्छे से काम करता है, लेकिन यार इसके अंदर मैन्युअली जाकर मुझे सीड लगाने पड़ते हैं। इसके बाद एक और फार्म बनाने वाला हूँ मैं फूड वाला, जिसके साथ अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे पास विलेज है, उनसे फूड ट्रेड कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी अभी मुझे एक फार्म और बनाना है। तो उसके बाद अपना आ जाता है ये शुगर केन वाला फार्म, जो कि तुम कह सकते हो कि ठीक ठाक काम करता है, क्योंकि यार जब मैं इसके अंदर को पास आकर AF के खड़ा हो जाता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ तभी ये काम करता है, ठीक है। तो इसके बाद अपन लोग चलते हैं हमारे मंदिर के अंदर। तो हमारा टेंपल बना रखा है मैंने अपने SMP के अंदर, सो लेट्स गो, तुम्हें इसके अंदर लेके चलते हैं। सो पहले जूते उतार लेते हैं, लेट्स गो, अभी चलते हैं जल्दी से। सो लेट्स गो गाइज, ये हमारा टेंपल। तो तुमने अगर ये वाली वीडियो देखी ना टेंपल वाली, तो मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी लोगों ने ये वाली वीडियो देखी होगी, क्योंकि मेरे व्यूज़ भी इसके अंदर ज़्यादा ही आए हैं आई थिंक। एंड नीचे से ये रहा हमारे टेंपल का व्यू। एंड ये चीज़ अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसका जो राज है वो सिर्फ मुझे पता है, ना कि मेरे भाई को भी नहीं पता है। तो इन फ्यूचर इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहीं पर आएंगे हम लोग। तो उसके बाद हम लोगों ने बनाई थी ये बैंक। सो ये बैंक तो तुमने देख ही लिया, इसके ऊपर से वीडियो की स्टार्टिंग में ही MLG तुम्हारे भाई ने कर दी थी। सो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत काम अभी करना बाकी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, मेरी चीज़ें बनी पड़ी हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत सामान रह रहा है चीज़ करने का। जो इसके अंदर पैसे वैसे भरने हैं वो भरने हैं, लेकिन अभी मैं थोड़े टाइम AFK रहूँगा, उसके बाद अपन लोग इसके अंदर डायमंड गोल्ड काफ़ी कुछ भरने वाले हैं। सबसे पहले गोल्ड ही भरेंगे इसके अंदर, जो कि अभी अपने फार्म में आया है। तो उसके बाद गाइस हमारा आ जाता है अंडर वाटर हाउस। तो ये वाला घर बनाने मेरी बहुत ही हालत ख़राब हुई थी यार, लिटरली यार एक एक ब्लॉक मैंने यहाँ पर आके पानी का सुखाया है। सोच सकते हो भाई, बहुत ख़तरनाक वाले लेवल की चीज़ है ये। तो इसके बाद गाइस हमने बनाया था ये मेरा छोटा सा यार फार्म, मैं इसको भी भूल चुका था लिटरली, अभी यहाँ से जा रहा था तभी मुझे याद आया। तो ये यहाँ पर डाई वाला फार्म है, अगर मेरे पास बोन मिल होता तो मैं तुम्हें दिखाता चलाकर इसको, लेकिन मेरे पास अभी बोन मिल नहीं है। सो अभी ये रहा मेरा किंगडम, जो कि अभी और इसके अंदर मैं घर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने विलेजर्स को भी शिफ्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर ना मैंने छोटी छोटी चीज़ें बना रखी हैं। ये इसको एक किंगडम वाले टाइप, किंगडम टाइप वाइब देने के लिए मैंने इसको बनाया है। यहाँ पर छोटे छोटे घर हैं और छोटे छोटे और हट्स हैं, काफ़ी कुछ हैं, तो इसको भी और अच्छे से बनाएंगे। एंड लेकिन ये देखो, ये रहा मेरा अनलिमिटेड गोल्ड फार्म, जो कि भैया बहुत अच्छा लगता है यार। यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ ना, तो भैया बस ये समझ लो कि ऊपर से जब पिगलिन गिरते हैं ना, मज़ा तो यहीं पर आता है जब उनके मरने के बाद आते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आके थोड़ा टाइम AFK खड़ा हो गया, तो अभी देखना कैसे भरती हैं, चेस्ट के चेस्ट भर जाती है भाई। तो उसके बाद गाइस हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर हमारे, जो रिसेंटली मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर अपना कासल बनाया है ये। तो इस वाले कासल के अंदर आने का भी मैंने कोई गेट नहीं बनाया, ऐसे ही इलेक्ट्रा के साथ उठ के आना पड़ता है। तो ये रही वो जगह जो मेरी वॉल्स बनाई थी, इसके अंदर यहाँ पर आप लोग अपना काफ़ी सारे वेपन्स रख सकते हैं, हमारी आर्मी को रख सकते हैं। अगर इन फ्यूचर कोई और भी मेरे प्लान्स हैं इसके अंदर SMP के अंदर बंदे को लेकर आने के, अगर वॉर होती है तो ये कासल के अंदर अपने के लिए पूरी की पूरी प्रोटेक्शन है। तो इसके बाद ये वाली वॉल टापने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने कासल के अंदर, जो कि कासल के अंदर भी तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया है, बस ऐसे ही लाइट लगा रखी हैं। मुझे यार इसको डेकोरेट करना है, लेकिन मेरे को पता नहीं मेरे दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आता, ठीक है। अभी जिस दिन आइडिया आएगा तो तभी तुम्हारे भाई इसको कर देगा, काफ़ी सारा काम पड़ा है मुझे पता है। तो इसके ऊपर भी एक चीज़ बना रखी है तुम्हारे भाई ने, ऊपर लेके चलता हूँ तुम लोगों को। तो इसके ऊपर यहाँ पर से एक रूम और है, जो कि इसकी एंट्रेंस ऊपर वाली साइड से है। एंड यहाँ पर ये देखो हमारी स्वॉर्ड वाला नेदर पोर्टल, तो इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ये उस वाले पोर्टल के साथ लिंक है, यहाँ पर पिगलिन जाते हैं तो मर जाएंगे, फालतू में मरना नहीं है तुम्हारे भाई को। और यहाँ पर ये देखो, ये रहा मेरा द सीक्रेट रूम, वैसे सभी को देखता है लेकिन इसके अंदर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, समझ सकते हो बहुत कुछ। तो इसके बाद गाइस हम लोगों ने बनाया है एक
एंड वर्ल्ड के अंदर अपना एक्सपी फार्म एंडरमैन वाला। तो यहाँ पर गाइस भर के एक्सपी मिलते हैं, ठीक है। तो मैं एक ही मेरे पास है, दो एक्सपी फार्म है, एक हमारा स्पाइडर स्पॉनर वाला है एंड दूसरा ये वाला है। तो इसके अंदर अभी मैं तुम्हारा भाई आता है और कोई एक्सपी फार्म होगा तो वो भी मैं तुम्हारा बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना वो अलग ही लेवल की है। और ये देखो इसकी भैंस की, अबे उसको देख रहा हूँ ये क्यों मारने आ रहा है, इसकी भैंस की भागो यहाँ से। अभी आए ना, अभी आना भाई, अभी पीछे आ भाई, वैसे ही मार रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे एक्सपी बढ़ती है हमारी। तो गाइस यहाँ पर ना एंडरमैन्स इतनी ऊंचाई से गिरते हैं कि अपन वन हिट के साथ बंदों को मार सकते हैं। अगर एंडरपल चाहिए तो ड्यूरिंग थ्री वाली स्वॉर्ड भी अपन, नहीं उसके साथ भी अपन लोग मार देते हैं। सो यही थी यार आज की वीडियो, यहाँ पर अपने SMP के अंदर इतना ही कुछ ही है। और अगर और कुछ भी, अबे साइड हट, अबे हवास से हट जा, ओए हट जा यार। हाँ तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल वाला आइकन दबा लो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। एंड मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो और क्या करना चाहिए मुझे SMP में वो कमेंट कर दो। मैं तुमसे बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।